किसी को आप कह के देख लें कि यार गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की है, यहाँ कर देते, तो वो आपके गले आएगा, उसका गुस्सा और उसकी हैत तरकीबी है वो देखने वाली होगी। तो जब कौमें यूं पस्त कामत होंगी, जब यूं छोटा जहन रखने वाली होंगी, तो फिर कौमें कभी भी आगे नहीं जा सकती। देखिए, ईंटों से मिलकर के दीवार बनती है, दीवारों से मिलकर के कमरा बनता है, कमरों से मिलकर मकान बनता है, मकानों से मिलकर मोहल्ले बनते हैं, महलों से मिलकर फिर शहर बनते हैं, और शहरों से मिलकर मुल्क बनते हैं। तो बुनियादी ईंट अगर टेढ़ी रख दी जाए तो फिर कभी भी शहर सीधे नहीं बन सकते और मुल्क सीधे नहीं हो सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें बज़ाहिर लगती हैं, ये छोटी नहीं है, ये बड़ी चीज़ें हैं। और हमारा दीन हमें ये सिखाता है, और हमें अमलन इसकी तरबियत सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, अमली मशक करनी इसकी चाहिए। और इसको सीखने से हम ज़रा से बच सकते हैं।